यात्रा कर रहे हैं उसके लिए हमको भी गर्व है, इसीलिए हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा डीसा से। तो अभी यहाँ से निकलना है सीधा चित्रासनी के लिए। तो अभी गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब निकलने का टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं और हमारे फ्रेंड भी रेडी है। तो गाइस अभी फाइनली निकल चुके हैं हमारे अंकल के घर से, अभी बज चुके हैं 7:45। तो अभी यहाँ से जाना है इकबालगढ़, जो कि है 50 किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा है, ऐसा कुछ है अराउंड। तो अभी चलो हाईवे पे पहुंच जाते पहले, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस एक दिक्कत हो गई है, हम घर से निकले पर हमारे साथ जो तिरंगे थे वो हम घर पे भूला है। तो अभी अंकल आ रहे हैं देने के लिए, तो वेट करते हैं। आप देख सकते हो अभी इस रूट पे सीधा जाना है हमें, यही है जो रूट जाएगा वो जाएगा अंबाजी के लिए, पर हमें अभी इकबालगढ़ स्टे करना है तो ये रूट ही जाएगा। तो फाइनली हमारे अंकल आ चुके हैं, ये आ चुके हैं हमें देने के लिए झंडे। लाओ, थैंक यू, चलो बोले बाय। तो अभी हम निकल रहे हैं, हमारे झंडे आ चुके हैं, चलो। और नेचर बहुत ही क्लीन है यहाँ का, देख सकते हो चारों तरफ खेती है और बादल थोड़े मंडरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है। अभी तो रूट पूरा क्लियर साफ है यहाँ से, आगे और भी नेचुरल रूट आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हमें निकले 2 दिन हुए हैं और 2 दिन के दोनों ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिए हैं, और यहाँ पर आई बटन पर लिंक भी आ रहा होगा, वहाँ पे जाके देख लें। और अभी मैं देख सकते हो मैं पूरा टी शर्ट मेरा पसीने से मैं भीग चुका हूँ अभी। तो अभी यहाँ से नेचुरल बहुत है, हवा भी आ रही है, पर साइकिलिंग कर रहे तो गर्मी तो होगी, तो चलो ऐसे ही चलते रहते हैं आगे। गाइस अभी रुके हैं पेट्रोल पंप पे, ठंडा पानी भरना था तो वो भर लिया है, और वेदर भी थोड़ा ख़राब है तो साइकिल के पीछे बैग के ऊपर पन्नी भी लगानी है, बारिश हो तो थोड़ा सेफ्टी रहे। तो यहाँ पे अभी बना रहा है आज भाई नींबू पानी, तो डिहाइड्रेट ना हो हमारा शरीर, तो उसके लिए ये बना रहे हैं नींबू पानी, जो कि बहुत ही अच्छा है साइकिलिंग करते वक्त, डिहाइड्रेट ना हो हमारा बॉडी। तो ये यहाँ पे पन्नी लगा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो नेचर तो बहुत बढ़िया है, ऑन रूट भी आपको बताऊँगा, सब अपडेट देता रहूँगा। तो अभी इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ वहाँ पे भी अपने पार्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फाइनली सब पैक कर लिया, आप देख सकते हो पन्नी से सब कवर कर लिया है यहाँ पे, हमारी साइकिल पे देख सकते हो आप। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही थी तो लगा लिया सब सेफ्टी फर्स्ट, तो चलो निकलते हैं यहाँ पे। चलो राज भाई निकलते हैं अब यहाँ से। गाइस अभी अब यहाँ से हमें एक पर्वत दिखा है, जो कि अभी ऐसे ही रूट आने वाला है यहाँ आगे, आप देख सकते हो वो दूर वहाँ दिख रहा है वो। तो अभी पास जाके थोड़ा दिखाता हूँ, फटाफट चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। तो अभी मौसम अच्छा है, थोड़ा राइडिंग करते हैं, यहाँ पे नेचर अच्छा है इसलिए साइकिल चलाने में और मज़ा आ रही है, थोड़ी एनर्जी डाउन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितनी धूप में होती है, बहुत कम हो रही है। यहाँ पे पहाड़ कितने बड़े हैं और इस तरफ है पानी, अच्छा लगता है इस तरफ बारिश ज़्यादा हुई है। और यहाँ पे हमारे फ्रेंड साइकिल पानी में चलाते हुए और हम यहाँ से साइड साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, तो फटाफट निकल जाते हैं। यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी बहुत और यहाँ पे पहाड़ आ चुका है, यहाँ से आगे का रूट वैसे ही होने वाला है पहाड़ों वाला और बहुत बढ़िया नेचर। गाइस यहाँ पे आप दूर दूर तक देख सकते हो, नेचर के अलावा यहाँ पे कुछ और दिख ही नहीं रहा है, और हमारी साइकिल यहाँ पे दिख रही है और पहाड़ आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर मंदिर है एक, शायद आप वहाँ पे देख सकते हो वो बीच में रहा वो। तो आगे हम जिस रूट पे जा रहे हैं वो ऐसे ही रूट आने वाले हैं, मतलब यहाँ पे पहाड़ है, मतलब इतना नेचर, बहुत सारे ऐसे आने वाली जगह। गाइस देखते हो यहाँ पे पहाड़ आने शुरू हो चुके हैं, मतलब आगे का रोड तो एकदम नेचुरल होगा। यहाँ पे देख सकते हो आसपास बारिश का थोड़ा डर जैसा माहौल लग रहा है, क्योंकि बारिश आने की पूरी संभावना लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बादल मंडरा रहे हैं। क्या दिक्कत बारिश में हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रोड भी एकदम क्लीन है और नेचर एकदम बढ़िया है, साइड में पर्वत भी आने शुरू हो चुके हैं अभी, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा ये रूट पे। इसे भी हमने काफ़ी रूट कवर कर लिया है, तो आप देख सकते हो चेहरे की हालत क्या हो गई है, पसीना पसीना, आप धूप खिलाई है, बादल चले गए हैं सब,
तो यहाँ पे अब आगे बोर्ड है, देखते हैं कौन सी तरफ अब मुझे जाना है। तो अभी तो नेचर वैसे बढ़िया, क्योंकि आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वो हमें लगा नहीं चाहिए, ऐसे वक्त में वो काम आते हैं, ऐसे भी काम आते हैं। तो यहाँ से अभी हमें सीधे जाना है चित्रासनी, हमें ये रूट जाना है, तो चलो वो रूट पे। तो यहाँ पे अब आगे देख सकते हो हाईवे वाला रूट आ चुका है, मतलब अब हम यहाँ से निकल सकते हैं सीधा। 17 किलोमीटर अभी और चलना है चित्रासनी के लिए, उससे आगे इकबाल का। तो ये 4 लाइन आ चुका है, मतलब 4 रास्ता आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमें नाश्ता करना रुके, सामने करेंगे नाश्ता थोड़ा, क्योंकि पकोड़े खाएंगे थोड़े, थक चुके हैं ज़्यादा, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे हमारा कटी पकोड़ा आ चुका है और अभी हम खा रहे हैं। तो अभी नाश्ता कर लिया है और अभी जाने के लिए रेडी है हम लोग, देख सकते हो। तो नाश्ता वास्ता हो चुका हमारा कंप्लीट और अभी बच चुके हैं 12, तो हम पहुंच जाएंगे 3 बजे तक अराउंड, और वहां पे होटल स्टे करना पड़ेगा लगता है, तो चलो वहां जाके देखते हैं। तो अभी तो निकलते हैं करके, थोड़ी देर रेस्ट करना ज़रूरी था क्योंकि थक चुके थे। तो 1 बज गया है अब, तो निकलते हैं चलो। अभी स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि शाम को इकबालगढ़ पहुँच जाना है जल्दी उससे पहले, और होटल लेनी है, इसलिए होटल स्टे करेंगे और अच्छे से वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। तो गाइस रास्ते में हो चुका था पानी ख़त्म, तो यहाँ पे खड़े हैं पानी लेने के लिए, कि जो कि यहाँ पे रामदेव जी भगवान का यहाँ पे जब चल कर जाते हैं उनके लिए कैंप था, तो यहाँ कैंप में थोड़ी देर बैठे हैं और पानी की सब बोतलें भर ली हैं। तो अब इस यहाँ से चलते हैं सीधा इकबालगढ़। आप देख सकते हो हमारी साइकिल वहाँ बाहर पड़ी है और यहाँ पे अभी सब रेस्ट कर रहे हैं, तो चलो। तो गाइस अभी हालत एकदम टाइट हो चुकी है, बहुत ख़तरनाक, क्योंकि यहाँ इतनी चट्टाने वाली रोडें हैं, ऊपर चढ़ो नीचे जाओ, ऊपर चढ़ो नीचे जाओ, बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। देख सकते हो साइकिल यहाँ पर हमने साइकिल भी बहुत स्पीड में चलाई, बहुत ही मज़ा आ गया। और व्यू देख सकते हो आप सामने के, और खेत वेत सब दिख रहे हैं, और अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी छांव बहुत अच्छी है, तो यहाँ भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी यहाँ से जा रहे थे रास्ते में, और हमने ट्रैफिक पुलिस अंकल मिले हैं जिन्होंने हमको यहाँ से पानी भर के दिया है, और धीरे धीरे चलना ऐसा भी बोला है। तो ये सर मिले हमको यहाँ पे जिन्होंने हमको पानी भी भर के दिया, तो थैंक यू सर, आपने हमारी हेल्प की। यात्रा कर रहे हैं उसके लिए हमको भी गर्व है, इसीलिए हम भी मदद करने के लिए। थैंक यू सर। तो सर भी थोड़ा शर्मा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अंकल मिले, बहुत मोटिवेट किया हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, थैंक यू सर वंस अगेन। तो ऐसे ही हमारे लिए तो पुलिस सिक्योरिटी मतलब होती है, और ये सर को भी थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो अभी कंटिन्यू चलेंगे इकबालगढ़ के लिए, और यहाँ पे चेकिंग भी चल रहा है। तो गाइस अभी जो आगे सर मिले उन्होंने हमको वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रखा, पानी भी पिलाया, मतलब चाय नाश्ता का भी पूछा हमको कि आपको चाय नाश्ता करवाना हो तो भी हम करवा देते हैं। तो ऐसे हमारी पुलिस, गुजरात पुलिस का भी फुल सपोर्ट है हमें ऐसे भी, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे सपोर्ट मिलता रहता है। तो अभी हम सीधा निकल चुके हैं वापस अपने रूट पे, अब ज़्यादा रूट कवर करने का बाकी नहीं है, बस थोड़ा ही रूट है। ये आप देख सकते हो गाइस, इसी चट्टान जैसे रोड की वजह से थक जाता हूँ, नॉर्मली गियर वाली है तो क्या हुआ, ताकत तो करनी पड़ती है। मज़ा तो तब आता है जब ऐसी चट्टान नीचे जा रही हो, देख सकते हो आप ऐसे। अब यहाँ से सीधा पैंडल भी नहीं मारेंगे और नीचे चले जाएंगे, ऐसे में बहुत मज़ा आता है, वाह, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ आती है और कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो गाइस अभी यहाँ पे चाय नाश्ता करने रुके थे होटल पे, ये करके निकल रहे हैं। ये कुछ होटल है, उनको चाय पीनी थी राज भाई, पीछे होटल है वहीं पे नाश्ता किया है, और नेचर आप देख सकते हो सामने। तो अब यहाँ से सीधा जाएंगे चित्रासनी जो कि 2 किलोमीटर ही है, और वहाँ से अभी हमें पंप भी लेना है हवा पूरने के लिए, क्योंकि जो हम खुद लेके आए थे वो तो हम भूल आए, हमारे अंकल के वहाँ पर उनका फ़ोन आया था कि आप तो भूल गए, पहले हम झंडा भूल आए थे तो
तो वो तो देने आए, फिर हम 15-20 किलोमीटर आगे 15 किलोमीटर आगे निकल गए। उनको उनका कॉल आया था कि आप वो कुछ और भी भूल रहे हो, तब उन्होंने बताया कि आपका पंप भी यहीं पड़ा है तो नया लेना पड़ेगा, उसके बिना चल नहीं पाएंगे आगे। तो चलो यहाँ से चित्रासणी जाते हैं और वहाँ से ही पंप लेते हैं। तो चलो फाइनली पहुँच चुके हैं चित्रासणी, 2 किलोमीटर दूर था, मतलब उनके चित्रासणी के चार रास्ता पर आ गए। तो फिर वहाँ से अंदर जाना पड़ेगा गाँव में, क्योंकि वहाँ पर पंप भी लेना है हवा का। तो चलो चलते हैं, फिलहाल जा रहे हैं अंकल के साथ। तो जहाँ पे हम लोग पंप लेने रुके थे वही अंकल के साथ थोड़ी पहचान बनाई, और अभी और जगह हमें बताई देखने के लिए, और अभी उन्हीं के गांव में हमारी साइकिल वहाँ रखवा के कुछ दिखाने ले जा रहे हैं। तो अभी आ चुके हैं चित्रासणी रेलवे स्टेशन पर, तो चाचा हमें यहीं से कहीं ले जा रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है चित्रासणी रेलवे स्टेशन, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ हमें सब फ्रेंड मिले, उनसे हमने थोड़ी बातचीत भी की, तो यहाँ पे वो लोकेशन भी देख लिए, वहाँ पे गए और अब जाएंगे साइकिल लेके निकलेंगे। उन्होंने थोड़ा यहाँ पे नज़दीक जो एक्सप्लोर करने लायक जगह है वो भी बताई है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, साइकिल लेते हैं और फिर चलते हैं अपने रूट इकबालगढ़ पे। तो यहाँ चित्रासणी में हमने 1 घंटे से ज़्यादा बिता लिया है, क्योंकि यहाँ के सबका बिहेवियर भी बहुत बढ़िया थे, सब दोस्त भी बन चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी चलो वहाँ चलते हैं। इस चित्रासणी से निकल चुके हैं और ये फ्रेंड जो दीपक भाई है वो हमें थोड़ी देर तक छोड़ने आ रहे हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा इकबालगढ़, जो कि 12 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा इकबालगढ़ के लिए। तो हमारे फ्रेंड हमको छोड़ने आए थे यहाँ तक, तो अभी यहाँ तक वो छोड़ेंगे हमें और फिर यहाँ से हम सीधा रूट ले लेंगे। आप नेचर देख सकते हो, तो चलो अभी यहाँ से अभी चलते हैं सीधा इकबालगढ़। थोड़ा लेट हो गया मुझे पता है, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़े फ्रेंड्स बन गए नए नए, हम सिर्फ पंप लेने गए थे, पर होता है ना ऊपर वाला कहीं भी किसी से भी पहचान करवा सकता है। तो वहाँ पहुँच गए, अंकल से बात की, अंकल भी थराद को जानते हैं, वहाँ उन्होंने जॉब भी की है 1 साल। हम लोग चढ़ चुके हैं हाईवे, नेशनल हाईवे पे फोर लाइन है, जो कि यहाँ पे अभी मिले हैं एक भाई रास्ते में, जो कि हमें कुछ बता रहे हैं कि कहाँ पे यह हो सकता है और यहाँ पे आपको ये सब सुविधा मिल सकती है। ये आप देख सकते हो उनको यहाँ पे रास्ते में जो पब्लिक मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा ही सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पे। हाईवे पे जा रहे थे अभी, वो भैया ने बताया कि कल आप अगर मिनी केदारनाथ जाओ तो वहाँ पे अपनी उनकी पहचान के कोई है वो भैया से मिलेंगे, मिलना, तो वो आपकी सेवा भरपूर करेंगे और आपको कुछ कमी नहीं होने देंगे। तो थैंक यू भाई को भी उनको, और वो भाई अभी हमें छोड़ने भी आ रहे हैं। तो अभी मेरे फ़ोन में थोड़ा चार्जिंग लो है तो चार्जिंग कर लेता हूँ, थोड़ा अभी पावर बैंक निकालनी पड़ेगी तो चार्जिंग कर लेते हैं पहले, फिर सफ़र तो कंटिन्यू रहेगा पर चार्जिंग थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ का हिसाब से सामने का व्यू देख सकते हो, कितना बढ़िया नेचर है यहाँ का। और अभी मैंने पावर बैंक निकाल ली और चार्जिंग पर रख दूँगा थोड़ी देर के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ है और नेचर तो बहुत ही गजब ही है। तो चलो अभी हाईवे पे हैं और आसपास का नेचर तो बहुत बढ़िया हो रहा है, और देखो आप साइकिल को पैंडल मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा बहुत बढ़िया रोड है। आप नेचर देख सकते हो साइड में, नेचर कैसा, वेदर क्लीन है एकदम, और यहाँ पे देख सकते हो। और अभी हम लोग इकबालगढ़ बस पहुँचने ही वाले हैं, अभी 4 किलोमीटर रह चुका है तो जल्दी पहुँच जाते हैं इकबालगढ़। हॉस्टल में स्टे करने वाले हैं आज, तो वहीं आ चुके हैं, अभी फटाफट चलते हैं देखते हैं कैसी होटल। ये देख सकते हो आज यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, ये होटल है दर्शन, और ये हमारे हैं एंट्री करवाने के लिए। हमको रूम मिल चुका है फाइनली, तो रेंट का उस सबसे दाव वो हमने पे कर देंगे यहाँ, और साइकिल भी हमारे पीछे रखवाने की सुविधा कर दी है, तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ होटल है, तो अंदर एंट्री होते ही चाबी मिलते ही आपको पहले देते हम रूम टूर। तो चलो, तो गाइस फाइनली आ चुके हैं सीधा रूम में, रूम की ले ली, सब सामान भी ले लिया और राज भाई भी आ चुके हैं। तो चलो पहले दे देते आपको एक रूम टूर, देते हैं रूम टूर पहले, यहाँ से हम लोग अंदर। तो एंटर होते ही यहाँ पे है पहले 2 बढ़िया से बेड, और बेड के साथ ये टेडी बियर फ्री है। तो यहाँ पे ये बेड रखा हुआ है, और यहाँ पे है ये पता नहीं क्या है,
अलमारी जैसा। अच्छा, यहाँ पे पानी पीने का और रखा हुआ कपड़े भी रख सकते हैं। तो ये है टीवी जो कि ऑन होता है या नहीं हमें नहीं पता। वन एसी है एक, और एक है फैन। तो यहाँ पे है ये शायद टॉयलेट होगा, टॉयलेट का टूर है। ये कुछ इस तरह का टॉयलेट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डस्टबिन है, और यहाँ पे क्लास दिख रखा है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ अभी वीडियो यहाँ पे। तो चलो, पहले तो थक चुके तो नहा धो के हो जाते फ्रेश। तो गाइस अभी यहाँ पे स्टे करेंगे आज की रात। आपको पता है हमारा 2 दिन बहुत ही मतलब ज़्यादा टफ निकले हैं, तो अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे। अभी तो पहले नहा धो लेंगे और कपड़े भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 2 दिन से कपड़े नहीं धोए। नहाए तो है रेगुलर पर कपड़े नहीं धोए, तो अभी कपड़े भी धो लेंगे, फिर जाएंगे खाना खाने और एडिटिंग करके आज तो पूरी नींद लूँगा मैं, क्योंकि 2 दिन से मेरी आँखें बहुत दर्द कर रही है, क्योंकि रात को 2-2.5 बज जाते हैं एडिटिंग करते शूट करते सब कुछ ऐसा। तो ऐसे मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपका प्यार बरसाते रहिए, जो कि बरसाते ही रही है, सपोर्ट कर रही है। तो चलो, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। हमारा फिलहाल बैग पैक हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने ये कपड़े भी हमें धोने हैं अभी। तो चलो, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, राज भी नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं राज भाई। तो चलो, अब हम भी हो जाते हैं। चलो तो गाइस, अभी खाना खा के भी आ चुके हैं। नॉर्मली खाना खाया है, क्योंकि साइकिल राइडिंग करते हैं तो तबीयत थोड़ी बिगड़ ना जाए, इसलिए तो नॉर्मल खाना खा लिया है। और खाना खा के अभी आ चुके हैं सीधे रूम पे, और बेड पे ही आके मैं तो सीधा सोने ही वाला हूँ अब। तो आप देख सकते हो ऐसी रूम है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 2 नाइट की मतलब 2 नाइट अच्छे से नहीं सोया हूँ, एडिटिंग में टाइम चला जाता था, ऐसे ही टाइम बिगड़ जाता था, थोड़ा बहुत ऐसे लेट हो जाता था। पर आज तो कम्प्लीटली नींद लेने वाला हूँ। अभी बज रहे 10:30, तो अभी वीडियो एडिटिंग कर दूंगा 11 बजे, 11:30 बजे तक जल्दी से फटाफट। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।